We're in a beautiful Capital Banquet Hall, and I would like to thank their administration for letting us use their facility. मेरे साथ दांदली हुई अनवर। आप तो आजाद उम्मीदवार थे। मेरे इलाके में सिर्फ आजाद उम्मीदवार ही खड़ा हो सकता है। आप चेकिंग दोबारा करवाएं। मेरे साथ में तुम किसी किस्म का कोई माहौल कर रहे हो। चार वोटों की दोबारा गिनती कराऊंगा। आप किस तरह कह रहे हैं कि धांधली हुई आपके साथ? मैं तुम्हें बताता हूँ, चीखने की जरूरत नहीं है। दरअसल वाकया ये है कि वहाँ उनकी एक अजीज खातून थी, वो राजी हो गई उनसे शादी करने के लिए क्योंकि साग और चावल तैयार थे बिल्कुल, और फिर वो खातून भी तैयार थी उनसे शादी करने के लिए निकाह हो गया, लेकिन गरारा जरा छोटा पड़ गया, दुल्हन फॉरेन की लिटरेचर लग रही थी कुछ बताइएगा, आपके दोस्त, आपके कॉलीग,
और बहुत ही मशहूर असासा पाकिस्तानी शो बिजनेस का वफात पा गए। जी जी, बस बहुत बड़ी बहुत बुरी खबर ये मिली है इस वक्त हमें, और बिल्कुल हालत जो है ना हमारी खराब मेरी तो हो चुकी है। जी बिल्कुल, ये कि वो मेरे बड़े भाई की तरह भी थे, और मैंने पहला अपना कमर्शियल ड्रामा उनके साथ ही किया, और मैं जब ड्रामा करता था वो मुझे देखते रहते थे और बहुत सारी बातें मुझे समझाते भी रहते थे। उसके बाद हम वो अलग काम करने लगे, मैं अलग करने लगा, लेकिन उनकी शख्सियत की वो शफकत मोहब्बत हमेशा रही। और अब अभी एक हफ्ते पहले भी मेरी उनकी बात हुई थी, हम उनको अपने शरीफ शो में ला रहे थे जी, लेकिन बस वो कुदरत को मंजूर नहीं था। मेरे दिल में था कि मैं उनको बुलाऊं, पता नहीं क्यों मेरा दिल कर रहा था मैंने बुलाऊं, और एक हम सारे सारे पाकिस्तान के कॉमेडियन बैठ के ना उनको एक ट्रिब्यूट पेश करें। बिल्कुल, और ये मैं चाह रहा था बहुत दिल से करना, लेकिन उनकी तबीयत खराब हो गई तो हम रिकॉर्डिंग नहीं कर सके। जैसे कि आप सबको पता है कि कल 22 अप्रैल को मोइन अख्तर साहब का इंतकाल हो चुका है। ये एक पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़े लॉस की बात है। अल्लाह सुबहाना ताला उनकी फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए। प्लीज वॉच द ट्रिब्यूट टू द लेजेंडरी आर्टिस्ट कंडक्टेड बाय मरियम आरिफ। आजकल यूथ में हमने एक डिप्रेशन का एलिमेंट पाया है। एवरीवन इज फ्रस्ट्रेटेड, एवरीवन डज नॉट नो व्हाट टू डू, वेयर टू गो। यूथ को ये भी नहीं पता कि बड़ों के लाइक हमें क्या करना है, किस डायरेक्शन में जाना है। जिससे भी बात करें वो यही कहते हैं कि हमने पढ़ना है और बाहर जाना है। व्हाट इज द थिंग रिक्वायर्ड टू एलिमिनेट दैट एलिमेंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन इन द यूथ? देखिए, बात उनकी बात भी ठीक है नौजवान नस्ल की, कि माँ बाप इतना सब पैसा लगाते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, किस लिए सब करते हैं? इसलिए करते हैं कि उनकी औलाद पढ़े लिखे, जिंदगी में कोई मकाम हासिल करे, कुछ काम करे, और इसी तरह से फिर उसकी आने वाली नस्ल उसको देखे और उसको अपना रोल मॉडल बनाए। जब वो पढ़ लिख के प्रैक्टिकल जिंदगी में दाखिल होता है तो उस पर हर चीज़ के दरवाजे बंद हो जाते हैं, नौकरी के, आगे बढ़ने के, सलाहियत के। हम कैसे लोग हैं, हम में कोई चीज़, क्या चीज़ ठीक है हम, मुझे आप बताइए। यानी मुझे ये कहते हुए अच्छा तो नहीं लगता क्योंकि मैं इस मुल्क का एक रहने वाला हूँ, लेकिन मैं इसलिए कहूँगा कि मुझे इस मुल्क से बहुत मोहब्बत है। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुल्क ने मुझे क्या दिया, मैंने हमेशा ये सोचा कि मैंने अपनी कैपेसिटी में अपने मुल्क को क्या दिया है। तो मुझे अंदाज़ा होता है कि मैंने लोगों को खुशी दी, मैंने लोगों को कहे दिए, मैंने लोगों के दुख और तकलीफ़ों को शेयर किया मैंने, और लेकिन हम हर शोबे में हम बेईमान हैं। क्यों हैं? तालीम का शोबा, उसमें सिफारिश और सियासत है, सियासत के अंदर सियासत है, और रिश्वत हम लेते हैं, बेईमानी हम करते हैं, झूठ हम बोलते हैं, दूसरों को तकलीफ़ हम देते हैं, दूसरों के मालों पे कब्ज़ा कर लेते हैं, यतीमों का माल खा जाते हैं, गरीबों को तकलीफ़ देते हैं, मिस्कीन मुसाफिर मोहताजों को उनका हक नहीं देते, किसी की मदद नहीं करते, अपने लिए सब जमा करके रखते हैं, अपने से आगे नहीं सोचते। तो आप ये देखिए, ऐसे माशरे जो हैं वो अगर आप इतने बुरे हो रहे हैं जिस तरह से नज़र आ रहा है आपको, तो अगर आप कुरान शरीफ पढ़ें तो उसमें जो कौमें अल्लाह ताला के अहकामात को नहीं मानती और जो इन सब चीज़ों में नाफरमानी में जब बहुत आगे चली जाती है तो अल्लाह ने कहा है मैं ऐसी कौम को तबाह कर देता हूँ और फिर उनकी जगह दूसरे लोग ले आता हूँ। अल्लाह कहता है कि मेरे लिए ये काम कोई मुश्किल नहीं है। तो हमको अपने आप जो लखपति है वो करोड़पति होना चाहता है, जो करोड़पति है वो अरबोपति होना चाहता है, जो अरबोपति है वो उससे ज़्यादा पैसे वाला होना चाहता है। तो पूरी दुनिया में हो रहा है? नहीं, पूरी दुनिया में एक सलीके और एक तरीके से हो रहा है। एक आदमी जिसकी तनख्वाह 12,000 रुपया महीना है, उसके घर के अखराजात 80,000 रुपए के हैं, ये कौन सी साइंस है आप मुझे बताइए कि वो उसको पूरा करती होगी? और यहाँ 60% लोग ऐसे हैं जिनकी तनख्वाहें इतनी हैं, लिमिटेड हैं,
और उनके अखराजात जो हैं, तो फिर क्या करते हैं आप? शॉर्टकट्स मारते हैं, शॉर्टकट्स मारते हैं। और एक बात याद रखिए, देखिए अगर आपने अपनी औलाद को हराम खिलाया ना, हराम, बेईमानी, चोरी, चकारी, इन सब चीज़ों से, लूट के इन सब चीज़ों से खिलाया, तो वो आपके पास वो सारा वैसे ही निकल जाएगा। आप देखिए कभी जमा करके नहीं रख सकता, अगर उसके पास रहेगा, जमा भी होता है, तो एक डिजास्टर होगा और सब खत्म हो जाएगा। तो हमको ठीक होना चाहिए, हम इंसान हैं, जानवर नहीं हैं, हमको सही होना चाहिए। हमको इसलिए दुनिया में नहीं भेजा है कि हम दूसरे के हुकूक मारें, छीन लें लोगों को, 1200 रुपये, 800 रुपये के एक मोबाइल के लिए एक जान ले लेते हैं हम। कभी वो तन्हाई में बैठ के वो सोचते नहीं होंगे कि एक इंसान की जिंदगी जब वो पैदा होता है तो वो गोश्त का लोथड़ा होता है, फिर वो इंसानी फॉर्म में आता है, फिर वो दुनिया में आता है बेसहारा, बेबस, माँ उसको 9 महीने पेट में रखती है, पालती है, फिर वो गर्म सर्द का मुकाबला करता है और बड़ा होता है, चोटें लगती हैं, धूप है, बारिश है, और फिर एक आदमी उसको एक 500 रुपये के मोबाइल के लिए इतनी तकदौ से पलने वाले बच्चे को गोली मार के चला जाता है। अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, आप मुझे बताइए ये क्या जुनून है? क्यों ये बात क्यों क्यों भूल गए? देखिए ना, क्यों भूल गए हैं कि एक दिन अल्लाह ने कहा है ना कुरान में कि जाओगे कहाँ तुम, आओगे तो तुम मेरे पास ना, और फिर अल्लाह ने कहा है कि मैं तुमको सब बता दूंगा कि तुम क्या क्या करते थे। और कुरान में है किसी एक बेगुनाह इंसान का कत्ल, आई कोट कुरान, किसी एक बेगुनाह इंसान का कत्ल ऐसे है जैसे तुमने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। और एक जगह अल्लाह ने फरमाया और अगर किसी एक बेगुनाह की जिंदगी बचाई गोया तुमने पूरी इंसानियत को बचा लिया। आर वी ट्रू ह्यूमन बींग्स? आर वी ट्रू मुस्लिम्स? हम क्या हैं? हम हैं क्या पहले तो ये बता। हमें तो नहीं, मुझे तो नहीं समझ रहा। आने वाली सड़क से जा रहे होते हैं, जाने वाली सड़क से आ रहे होते हैं, पान खाएंगे, बाहर मुंह निकालेंगे, बच करके थूक देंगे, कुछ बोलो तो कहते हैं कौन सा तुमने थूक दिया। ये क्या कौन है? अल्लाह माफ करे, अल्लाह रहम करे। बस 11 फुट सतह समंदर से नीचे है कराची, एक बाढ़ आ गई ना तो पता भी नहीं चलेगा कि कभी यहाँ कोई रहता था। और पढ़े कुरान, ऐसी सारे ऐसी बस्तियां अल्लाह ने तबाह कर दी, आसमान से अजाब भेजता है या जमीन से अजाब भेजता है। क्या करना चाहिए? कुछ गाइडेंस कहाँ? अपने आप को ठीक करें, आदमी अपने आप को ठीक कर ले, हम अपने आप को ठीक रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल क्या करना चाहिए जो हालात हैं? कुछ नहीं, देखिए ये बेसिक ट्रेनिंग, आप अपने बेसिक जो सीखने वाली जो जगह है, दी ओनली प्लेस वेयर यू स्टार्ट लर्निंग इज योर ओन सेल्फ एंड आपका अपना घर जहाँ से आप सीखते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर आपके टीचर्स हैं, असातिज़ा हैं, उस्ताद हैं, आपके दोस्त हैं, फिर वो लोग जो अरबाब इख्तियार हैं। हमारे अरबाब इख्तियार लोगों का क्या वो है, आप आजकल जो सियासत में जो लोग हैं ये सारे लोगों को देख लीजिए, टेलीविज़न पे बैठ के वो जो गुफ्तगू करते हैं, जो जो एक दूसरे के लिए ज़बान इस्तेमाल हो रही है, ये इसमें क्या डिसेंसी है? क्या सीखेंगे इनसे? आप क्या सीख सकते हैं इनसे? मैंने तो खुदा का शुक्र है मैंने इनसे कुछ नहीं सीखा। इन लोगों से आपने कहाँ से सीखा जिंदगी? मैंने अपने बड़ों से सीखा जी, और अच्छे बड़ों से सीखा। मैं उठा बैठा बड़े बड़े अच्छे और पढ़े लिखे लोगों में जी, जो बताते थे कि कमिटमेंट को ऑनर करना चाहिए, जो ये बताते थे कि अपने मफाद से ज़्यादा अपने मुल्क के मफाद को जहन में रखना चाहिए, वो ये मुझे बताते थे कि छोटों से अच्छा सलूक करो, वो ये बताते थे कि अपनी नज़रों में शर्म हया रखो, वो ये बताते थे कि फजूल खर्ची ना करो, वो ये बताते थे कि पढ़ो उसको इस तरह पढ़ते हैं। हमें तो बहुत कुछ, और अल्लाह का शुक्र है हम। और दूसरी बात ये कि हमारे ब्लड में, मेरे ब्लड में तो ये है सीखने वाला कि मुझे एक नया बच्चा भी कल कोई चीज़ सिखाएगा और अगर वो सही बात है, अच्छी बात कर रहा है, तो मैं उसकी बात को सुनूंगा। कहीं पे मैंने पढ़ा था आपके बारे में कि द रीजन फॉर योर सक्सेस इज योर फ्लेक्सिबिलिटी टू एक्सेप्ट चेंज। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी फ्लेक्सिबल, आई डोंट इम्पोज माय व्यूज टू एनीबॉडी कि नहीं जी ये करना है। आई जस्ट लीव अ पॉइंट फॉर एवरीबॉडी टू थिंक कि जी देखिए ये है, क्या हम ठीक चल रहे हैं?
अगर पाकिस्तानी नौजवानों को आप अपनी नजर में रखें इस वक्त, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे, वो किस तरफ जाएं? मैं एक बात उनको सबको ये समझाना चाहता हूँ कि जज्बाती फैसले ना करें, जो भी काम करें उसको सोच समझ के करें। ठीक है। जो पहली चेंज आनी चाहिए नौजवानों में वो ये कि सही लोगों को मुंतखब करें जो पार्लियामेंट में जाएं और पार्लियामेंट में बैठ के वो करें। जब आपने सड़कों पे ही निकल आना है सब ने, तो फिर पार्लियामेंट की क्या जरूरत है, शटडाउन करें, ताला डालें इस पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन ऐसा भी तो होता है कि सही लोग पार्लियामेंट में जाके खराब हो जाते हैं। That is another thing. You are so right. बिल्कुल ठीक। तो कुछ बुरे जाके अच्छे हो जाते हैं, कुछ अच्छे जाके बुरे हो जाते हैं। जी, और एजाजात जो मिले, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, सितारे इम्तियाज, सब उनकी वर्सेटिलिटी को तस्लीम करते हैं, लेकिन ये एजाजात भी उनके बुलंद फन को के लिए काफी नहीं है। कुछ बताइए, किस किस्म का दोस्त आपने उनको पाया, आपने इतना काम उनके साथ किया? बहुत काम किया मैंने, सबसे ज्यादा उनके साथ थिएटर किया। वो इतने अच्छे थे, छोटी छोटी बातें बताते थे, यार ये लफ्ज है ना, अगर किसी की लफ्ज गलत बोल रहा है उसे भी बताना, टाइम से आना, और दूसरी बात ये कि बड़े बाअदब थे, हर एक का अदब करना, तमीज से बात करनी, दूसरी बात ये कि बड़े ही मुखलिस आदमी थे, दूसरे लोगों के प्रॉब्लम में भी इन्वॉल्व हो जाना, प्रॉब्लम सॉल्व कराना। बहुत जी, और अपनी बीमारी का उमेश शरीफ साहब उन्होंने बहुत बहादुरी के साथ मुकाबला किया, अभी भी वो मुख्तलिफ चैनल्स पर नजर आते। कुछ बताइए किस तरह से वो काम कर रहे थे आजकल? देखिए, वो काम कर रहे थे, तकलीफ थी उनको क्योंकि उनको में सांस फूल जाता था, लेकिन उसके बावजूद भी वो रिकॉर्डिंग कर रहे थे, अभी भी वो रिकॉर्डिंग कर रहे थे, यानी कि वो काम करते हुए ही गए हैं, मतलब ये नहीं कि वो बीमार पड़ गए बिस्तर पे, उनको डॉक्टर अल्लाह के कह रहे होंगे कि आप रेस्ट करें, लेकिन वो क्योंकि कमिटमेंट के बहुत वो थे, और उनको ये था कि कोई खुदा ना खास्ता उनको ये ना कहे कि यार मोइन अख्तर की वजह से नुकसान हो गया। बिल्कुल, काम से इश्क था उनको। उनको काम से इश्क था, काम के बगैर वो ये, मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए एक ऐसी, हमारे खाली हो गया ये हमारा जो है ना एक पोर्शन, जिसमें अब कोई दूसरा मोइन अख्तर नहीं आ सकता है। जी, और आप उमर शरीफ साहब, आप खुद मोइन अख्तर साहब, उन लोगों में उनका शुमार किया जाता है जिन्होंने पाकिस्तान के कॉमेडी सीन को एक मयार दिया, एक दर्जा दिया और एक स्टैंडर्ड उसका बरकरार रखा। यार हम लोग कुछ भी नहीं है, ये मोइन भाई जी, अल्लाह ताला सबको सब्र दे। आपको भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने का, उमर शरीफ साहब। Umar Sharif, a well-known actor, comedian, everyone knows him, a great friend, Moin Akhtar. Zindagi jaan lene ka naam nahi, zindagi naam hai jaan bachane ka. Hum sab is duniya mein pal bhar mehmaan hain. Hum sab is duniya mein पल भर मेहमान है, इनके दुख बांट लो, मासूम इंसान है, दोस्तों थाम लो, बेसहारा है, मदद करो, आंसुओं को जरा पूछ दो, आओ मदद करो, सहारा बनो, सहारा बनो, सहारा बनो, गरीब इसको बचाना है, मुरझाए चेहरे जो इनको हंसाना है, चार दिन की ये जिंदगी बने इनका हो सहारा, जिंदगी है जिंदगी इसको बचाना है, मुरझाए चेहरे जो इनको कतरा कतरा मिलके दरिया बनता है, तुम बढ़ चढ़ के हिस्सा डालो, सहारा बनो, सहारा बनो, सहारा बनो, गरीबों का।
साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, तन्हा नहीं हो, अकेले नहीं हो, मंजिलें बहुत नजदीक हैं, लंबा सफर था कट ही गया. Thank you for watching this show. I hope you really liked it because our team has put a lot of effort into this. Main to dekhunga, main to dekhunga. तुम भी देखोगे, तुम भी देखोगे. मैं तो देखूंगा, तुम भी देखोगे, तुम भी देखोगे. जब रोटी सस्ती होगी और महंगी होगी जान, वो दिन फिर आएगा जब ऐसा होगा पाकिस्तान. मैं तो देखूंगा, तुम भी देखोगे जब रंग बरंगे झंडे एक परचम में घुल जाएंगे, ओ एक परचम में घुल जाएंगे. और इधर उधर को जाते रास्ते एक मोड़ पे मिल जाएंगे, ओ एक मोड़ पे मिल जाएंगे. जब बच्चे मुल्क पे राज करें और स्कूल में बैठे हो सियासतदान, वो दिन फिर आएगा जब ऐसा होगा पाकिस्तान. मैं तो देखूंगा, तुम भी देखोगे. जब मुल्क को बेच के खाने वाले वो खुद हजम हो जाएंगे, और पुश्तों से जो गद्दी बैठे सब भीड़ में मिल जाएंगे, वो सब भीड़ में मिल जाएंगे. जो दूर गए थे भूले से लौटेंगे फिर वतन को एक शाम, वो दिन फिर आएगा जब ऐसा होगा पाकिस्तान. मैं तो देखूंगा, तुम भी देखोगे. मैं तो देखूंगा, तुम भी देखोगे, तुम भी देखोगे. जब रोटी सस्ती होगी और महंगी होगी जान, वो दिन फिर आएगा जब ऐसा होगा पाकिस्तान. मैं तो देखूंगा, तुम भी देखोगे. मैं तो देखूंगा, तुम भी देखोगे. मैं तो देखूंगा.